दो वीडियो को मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है आप लोगों के सामने, डिटरमिनर का, और आज जो हम आ रहा है वो है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स का क्या गुण है कि अपने बाद या तो ये अनकाउंटेबल नाउन दिखाता है, अनकाउंटेबल नाउन, और नहीं तो प्लूरल नाउन, दो ही बनता है। जैसे आप लिख सकते हैं सम मनी और सम बुक्स, मोस्ट वाटर, मोस्ट स्टूडेंट्स, कहीं से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब इस सब के हम यूज के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले सम और एनी, सम और एनी दोनों क्वांटिफायर है। सम कहाँ आएगा? अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस, और एनी आएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब एक में लेके चलिए कि ही हैज बुक्स, और सम होगा या एनी होगा, तो देखिए इसको भी तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, कहीं से क्या आ रहा है? कहीं से नो, नॉट, नेवर का प्रयोग है नहीं, तो यहां पर सम आएगा, यहां पर एनी आएगा। दूसरा में लेके चलें कि ही डिड नॉट गिव मी मनी, और यहां पर है सम और एनी, तो देखिए कि ये सेंटेंस क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, डिड नॉट है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा, यहां पर सम का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा लिखे कि मोहन हैज नॉट ब्रदर। अब यहां पर यदि हमको सम लिखना है और एनी लिखना है तो फिर देखिए यहां पर क्या आ गया है? निगेटिव आ गया है नॉट, इसलिए फिर सम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? एनी। एक यहां आया, दूसरा में हम इसको चलते हैं थोड़ा इसको और आगे हम विस्तार से देखेंगे, तो इसके लिए एक रूल है कि यदि सम का प्रयोग सब्जेक्ट के पार्ट में हो, सब्जेक्ट के पार्ट में हो तो इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में भी होगा। अब देखिए आप लिखते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कि कुछ छात्र उपस्थित हैं, तो यहां भी सम हमारा डिटरमिनर का काम कर रहा है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन हम लिखें कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है, इसलिए कि यहां सम का प्रयोग कहा हुआ है? सब्जेक्ट के पार्ट में हुआ है, आर हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। उसी ढंग से है एनी, कि एनी का प्रयोग जब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हो तो इसका अर्थ हो जाता है कोई भी। पहले वीडियो में भी इसके बारे में बता दिए थे कि जैसे लिखा हुआ है कि यू कैन डांस विथ गर्ल यू
लाइक। अब देखिए ये सेंटेंस तो है अफर्मेटिव, निगेटिव तो है नहीं। यहां पर यदि आ जाए ऑप्शन नंबर सम और एनी, तो यहां सम और एनी जो पूछ रहा है हमको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में पूछ रहा है, इसलिए यहां पर एनी होगा कि तुम किसी भी लड़की के साथ जिसको तुम चाहते हो उसके साथ डांस कर सकते हो। पिछले वीडियो में देखिएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला वीडियो में यह मिलेगा। उसके बाद है कि कुछ निगेटिव वर्ड हैं, जैसे है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर और टू। ये सब जो शब्द हैं ये सब क्या है, ये सब निगेटिव मीनिंग को रखते हैं। इनके साथ हम कभी भी सम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सब के बाद हम केवल एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब लिखेंगे कि सी हैड हार्डली मनी, और यहां पर यदि हमारा ऑप्शन कह रहा है कि सम भरे या एनी भरे, तो फिर यहां पर आप एनी का प्रयोग कीजिए, सम का प्रयोग नहीं कीजिए। इसलिए कि ये जितने भी जो शब्द लिखे हुए हैं वे सब के सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, टू, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। अब हमारा है सम बराबर होता है असर्टेन, असर्टेन, और यही हो जाता है सर्टेन। ये भी पहला वीडियो में हम बता दिए हैं, यहां सिर्फ याद दिला रहे हैं आपको कि यहां पर इस सम का भी प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए की तरह हुआ है, और यहां पर इस सब का अर्थ हो जाता है अननोन, कि उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं हो, नहीं है हमको कोई जानकारी। जैसे हम लिखेंगे कि सम मोहन हैज कम टू सी यू। अब देखिए यहां मोहन क्या है, मोहन हमारा ऐसे तो लग रहा है कि प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ है कॉमन नाउन की तरह। इसे कोई मोहन नाम का आदमी है, आदमी है ना कि मोहन है, कोई मोहन नाम का आदमी है जो आपसे मिलने आया है। तो यहाँ सम क्या हो गया, इसका प्रयोग किसके तरह हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ। यहाँ पर सम मोहन लिख सकते हैं, ए सर्टेन मोहन लिख सकते हैं, या ए मोहन लिख सकते हैं। ये भी हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है जो कि डिटरमिनर के बराबर होता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि ही लिव्स इन विलेज, तो आप लिखिए अ विलेज या ए सर्टेन विलेज, कहीं से कोई अंतर आने वाला इसमें नहीं है। तो सम और एनी में कोई अंतर नहीं है। प्लुरल में सर्टेन लिखिए, ए सर्टेन मत लिखिए। पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर है ऑल ऑल, और दूसरा इसके साथ आएगा होल। अंतर क्या है कि ऑल के बाद दी आता है, लेकिन दी के बाद होल आता है, ठीक। ऑल के बाद जो आने वाला नाउन है या तो प्लुरल होता है और नहीं तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला नाउन है ये हमेशा सिंगुलर होता है।
इसलिए कि वो एक चीज का बोध कराता है। अब हम लिखें कि आई हैव रीड ऑल द बुक्स, मैंने सभी किताबें पढ़ ली है, मतलब किताब की संख्या ही बतला रहा है कि जितनी भी किताब थी सब किताब को उसने पढ़ लिया है। अब हम लिखें कि आई हैव रीड द होल बुक, अब ये बुक्स नहीं लिखाएगा कि मैंने संपूर्ण किताब पढ़ ली है, किताब एक ही है लेकिन उस किताब को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। तो यहां पर ऑल का प्रयोग नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होगा, होल का प्रयोग होगा। ठीक है, ही हैज स्पेंट ऑल द मनी, उसने पूरा रुपया खर्च कर दिया है। अब देखिए ऑल के बाद क्या गया, अनकाउंटेबल नाउन आया, तो ऑल के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है और नहीं तो काउंटेबल आता है। अब देखिए कि हम लिख दें कि हिज ऑल बॉडी वाज कवर्ड, कि उसका पूरा बॉडी कवर्ड था। अब देखिए कि बॉडी तो एक ही होता है, तो कहना हम चाहते हैं कि उसका संपूर्ण पूरा बॉडी, होल बॉडी उसका कवर्ड था, तो यहां ऑल नहीं होगा बल्कि होल का प्रयोग होगा। होल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और हमेशा संपूर्णता का बोध कराता है। अब हमारा रह गया नो, और इसके साथ हमारा एक और है नॉट, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। नो हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर, और डिटरमिनर का गुण क्या है कि जब आता है तो नाउन के पहले आता है, और नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कहाँ आता है कि नॉट जब आएगा तो या तो यहाँ पर डिटरमिनर रहेगा और नहीं तो यहाँ पर वर्ब रहेगा। अब देखिए ही हैज बुक, ही हैज एनी बुक, he did not give, he gave me any money। अब देखिए ए सेंटेंस क्या है, he has, यहां क्या है book, हमारे पास ऑप्शन क्या है no और not, तो not के बाद क्या आना चाहिए, या तो determiner और नहीं तो verb, तो यहां तो बुक आया है, बुक के पहले कोई डिटरमिनर है नहीं, इसलिए यहां पर नो होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे गलत होगा। यहां पर बुक के पहले डिटरमिनर एनी आया है, इसलिए यहां पर नो का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग होगा। यहां पर देखिए वर्ब आया है, इसलिए डिट के बाद यहां आने वाला क्या होगा, नॉट होगा। अब जैसे आप लिखते हैं कि ही इज नॉट अ लीडर, इसी को आप लिखिए ही इज नो लीडर, नो ए लीडर लिखिए, नो ए लीडर मत लिखिए, ए लिखना है तो हम नॉट लिखेंगे। ठीक है, आई हैव नो पेन, या लिखिए आई हैव नॉट अ पेन। क्लियर है, या लिखिए आई हैव नॉट एनी पेन, मत लिखिए आई हैव
नो एनी पेन, क्यों? कि नो तो डिटरमिनर है, इस पे तुरंत बात क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नाउन के पहले डिटरमिनर है, इसलिए ऐसा सेंटेंस अर्थहीन होता है, ऐसे सेंटेंस की रचना मत कीजिए। अब यदि हम दे दें, लिख दें, दिस इज, और यहां पर लिखा हुआ है मिल्क, हमारे पास ऑप्शन है कि नो लिखें या नॉट लिखें। अब देखिए मिल्क तो हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो का प्रयोग होता है इसलिए कि तो इंटेंसिफायर है, इसके पास तो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए कि हम नो लिखेंगे ये ठीक होगा, तो नो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नो हमारा क्वांटिफायर है, या तो ये नंबर बतलाएगा और नहीं तो क्वांटिटी बतलाएगा, लेकिन यहाँ पर मिल्क का क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है, हम तो मिल्क के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मिल्क है ही नहीं, ये दूसरा चीज हो सकता है। तो मतलब मिल्क जो यहाँ पर लिखा गया है ये नॉन ग्रेडेबल है, नॉन ग्रेडेबल, इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग होगा, दिस इज नॉट मिल्क, नहीं कि दिस इज नो मिल्क, हम लिखेंगे दिस इज नॉट गोल्ड, यह सोना नहीं है, मतलब सोना के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह है, हम कहना चाहते हैं कि नहीं है सोना, दूसरा चीज है, चांदी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेकिन गोल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां के बाद कुछ नहीं है, देखिए एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मोस्ट मतलब होता है अधिकांश, और ये सब का अर्थ होता है बहुत। आप लिख सकते हैं ही हैज एनफ बुक्स, उसके पास पर्याप्त किताबें हैं, ही हैज एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। आप लिख सकते हैं मोस्ट मनी वाज स्पेंट, अधिकांश पैसा खर्च हो गया था, मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अधिकांश छात्र अनुपस्थित हैं। अब इसमें लेके चलिए ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस सब के बराबर है बहुत। यहां से क्या हो गया, बहुत, मतलब या तो ये मच हो सकता है और नहीं तो मेनी हो सकता है। आप लिखते हैं आई हैव मेनी काउच, तो मेनी के जगह पर लिखिए ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। आप ही लिखते हैं कि ही हैज मच मिल्क, मच के जगह पर लिखिए ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, कहीं से कोई समस्या नहीं है, क्वांटिफायर्स लगभग समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि डिटरमिनर के रूप में एक हमारा आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यह होता है व्हाट, विच और हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन भी है, पहले भी पढ़ाया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये डिटरमिनर आएगा, तुरंत इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, क्योंकि ये डिटरमिनर का काम करेगा। अब देखिए दोनों का हिंदी होता है कौन,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सबसे पहले दोनों का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन करने में, चुनाव करने में। तो यदि निश्चित से चुनना है, निश्चित में चुनाव करना है तो हिच लिखिए, और अनिश्चित में चुनाव करना है तो भाट लिखिए। अब जैसे लिखेंगे कि व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम किस प्रकार का रंग पसंद करते हो। देयर आर वेरियस कलर्स, कलर्स तो कई हैं, देयर आर सेवरल कलर्स, देयर आर मेनी कलर्स, कलर्स तो बहुत हैं, उसको में से कौन सा कलर आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित से हम एक का चुनाव करते हैं, इसलिए क्या आ गया व्हाट। लेकिन यदि निश्चित से हमको चुनाव करना है तो विच आएगा। जैसे लिखे चैप्टर ऑफ दिस बुक डू यू लाइक, इस किताब का कौन सा चैप्टर तुम पसंद करते हो। तो देखिए चैप्टर तो क्या हो गया, इस किताब का, तो किताब में तो कोई निश्चित है, दो चैप्टर, चार चैप्टर, दस चैप्टर कोई निश्चित है, तो उतना में से एक को सिलेक्शन करना था, इसलिए यहाँ पर व्हाट नहीं होगा, यहाँ पर विच का प्रयोग होगा। यदि निश्चित से हम सिलेक्शन करते हैं तो विच लिखेंगे, अनिश्चित से यदि हम सिलेक्शन करते हैं तो क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। जैसे व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ डू यू लाइक, तुम किस प्रकार का कपड़ा पसंद करते हो। अब देखिए यहाँ पर टाइप तो बहुत है क्लॉथ के, उसको में से कौन आपका पसंद है, तो अनिश्चित से आप पसंद करते हैं। लेकिन यदि वहां पर दिया हुआ है कोई निश्चित टाइप दिया हुआ है, उसी से हमको सिलेक्शन करना है, तब वहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे। हुज हमेशा मनुष्य के लिए आता है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। अब देखिए हुज के बाद क्या लिख दिए, इज लिख दिए, तो यहां पर ये क्या हो गया प्रोनाउन, और इसी को लिख देते हैं कि हुज पेन इज दिस। और देखिए कि हुज के बगल में क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब होगा तो ये नाउन के पहले आएगा और ये डिटरमिनर बन जाएगा। और आखिरी हमारा है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव ये भी डिटरमिनर का काम करता है, यह होता है व्हाट, है ना, व्हाट। चूंकि ये डिटरमिनर का काम करेगा तो ठीक इसके बगल में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या नाउन फ्रेज आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो नाउन ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं व्हाट ए फूल, कैसा मूर्ख, व्हाट ए स्कूल, कैसा स्कूल। अब लिखेंगे व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, कैसी अंधेरी रात है। तो ये सब यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर का काम कर रहा है, और सबसे एक्सक्लामेशन का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। आज हमारा डिटरमिनर समाप्त हो गया, अगले वीडियो से हम लोग डिग्री शुरू करेंगे। थैंक यू।